वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाज़े के बाद ज़िला जामशुरों में 11 अरब रुपए की लागत से बनाया जाने वाला दरवात डैम लावारिस हो गया। डैम पर 8 साल कबल काम शुरू हुआ था। मज़ीद जानेंगे हैदराबाद से नासिर शेख की इस रिपोर्ट में। कोहिस्तान के पहाड़ों से आने वाले बरसात के पानी को जखीरा करने के लिए सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब बनाए जाने वाला दरावत डैम विफाकी और सूबाई हुकूमत के तनाज़े के सबब लावारिस पड़ा है। हैदराबाद से 70 किलोमीटर के फासले पर दरावत नदी पर बनाए जाने वाला दरावत डैम पर काम 8 साल कबल विफाकी इदारे वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुरू किया और इसके लिए ज़मीन सिंध हुकूमत ने फराहम की थी। इस डैम की ऊँचाई 151 फीट और लंबाई 1000 फीट है। इसमें 1,21,000 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। एक साल से उनको कहा जा रहा है इसका चार्ज आप ले लें, कुछ आज लेने को भी तैयार नहीं है, तो मैंने आज उनको इस डैम पर 11 अरब रुपए लागत आई है और इसके पानी से 25,000 एकड़ जरई जमीन काश्त हो सकती है। दरावत डैम मुकम्मल हो जाने के बावजूद सूबाई हुकूमत इसको लेने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह हुकूमत के पास डैम के इंतजाम संभालने के लिए माली वसाइल का ना होना है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, जामशोरों।